जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज जो है वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए। और मैं आज कुछ खास बात करने वाला हूं आप लोगों से। हमारे देश में ज़्यादातर लोग जाति धर्म के नाम पर लोग लड़ते रहते हैं, जातिवाद करते हैं, धर्म के नाम अक्सर लड़ाई होते रहता है। तुम इस धर्म के लोग हो, तुम इस धर्म के लोग हो, धर्म के लिए इस देश में काफ़ी लड़ाई होता है। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, मेरा उद्देश्य नहीं है किसी धर्म के लोगों को ठेस पहुँचे। मैं किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहा हूँ। देखते हैं तो अपने दिल पर मत लीजिएगा, काहे कि मैं आज कुछ खास बात करने वाला हूँ। कहा जाता है कि पूरे दुनिया को ब्रह्मा ने रचा है, अच्छी बात है। कहा जाता है कि ब्रह्मा के मुख से, यानी मुख से ब्राह्मण जन्म लिया है और उनकी बाजू से क्षत्रिय जन्म लिया है, उनकी जांग से वैश्य जन्म लिया है और पैर से शूद्र जन्म लिया है। यानी चार वर्ण के लोग हमारे इस देश में हैं। और वहाँ से आने के बाद, ये चार वर्ण के बाद भी हमारे देश में तरह तरह के जाति के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं। और मैं आप लोगों को आज सच्चाई बताने वाला हूँ। क्या सच में ब्रह्मा जी के मुख से बच्चा जन्म होता था? क्या सच में पैर से लोग जन्म लिए हैं? मेरे पास एक ऐसे बुक है जो बाबा साहब अंबेडकर की लिखा हुआ बुक है। मैं ये बुक आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये बुक जो है शूद्र कौन है, ये बाबा साहब अंबेडकर की लिखा हुआ बुक है। इस बुक में लिखा है, वही मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। इस बुक में जो लिखा है, एक गौतम धर्म सूत्र के बुक भी है, उस बुक में लिखा है, यदि शूद्र जाति वेदों को जानबूझकर सुने तो उनके कान में गला हुआ शीशा अथवा लोहा गर्म करके उनकी कान में डाल दें। यदि कोई वेदों उच्चारण करे तो जिह्वा काट ली जाए। यदि कोई शूद्र जाति मंत्र का उच्चारण करता है तो उनकी जिह्वा काट ली जाए। मंत्र को पढ़ लेते हैं और वो रख लेते हैं, अगर वो फिर बाद में कहीं बोलता है तो उनका दो टुकड़े कर देना चाहिए। ये गौतम धर्म सूत्र नाम के एक बुक है, उसमें लिखा हुआ है। मनोस्मृति के अनुसार शूद्र गुरु था। ऐसे गुरु के शिष्य को देवों तथा पितरों के नियमित कार्य में ना बुलाएं। अगर आप कोई अच्छे कार्य कर रहे हैं तो उसमें शूद्र जाति को नहीं बुलाइए। और जो लिखा है इसमें, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मनोस्मृति में इस प्रकार लिखा है, ब्राह्मण शूद्र की संपत्ति बिना संकोच ले सकता है। ब्राह्मण शूद्र की संपत्ति को बिना संकोच ले सकता है, क्योंकि वह किसी संपत्ति का मालिक नहीं होता है। शूद्र जाति के जो लोग हैं उनका संपत्ति ब्राह्मण बिना संकोच को ले सकता है, क्योंकि उस संपत्ति का मालिक शूद्र नहीं होता है। जो कुछ उसके पास है वह उसके स्वामी का है, यानी वो ब्राह्मण का है। और शूद्र का जन्म इसीलिए दिया था क्योंकि वो अपने उच्च जाति वाले लोगों का भक्ति और भाव से उनका सेवा करें, इसीलिए शूद्र जाति का जन्म हुआ था। और अध्याय 8 श्लोक 417 में, मनुस्मृति में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि वास्तव में शूद्र को संपत्ति इकट्ठा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शूद्र को संपत्ति इकट्ठा करते देखकर ब्राह्मण को दाह उत्पन्न होता है। और अध्याय
दस श्लोक 129 में अगर आप पढ़ेंगे मनुस्मृति में, उसमें लिखा है कि मनुस्मृति में राजाओं के लिए एक सलाह है, जो जन्म से ब्राह्मण हो अथवा अपने आप को ब्राह्मण कहता हो वह राजा को धर्म सिखाता है, परंतु शूद्र ऐसा नहीं कर सकता है। यदि ब्राह्मण को थोड़ा बहुत भी ज्ञान है तो वो राजा को उनकी ज्ञान दे सकता है, लेकिन शूद्र को कितना भी ज्ञान क्यों ना हो वो राजा को ज्ञान नहीं दे सकता है। जिस राज में अधिकांश शूद्र अथवा नास्तिक हो तथा दूज्य ना बसते हो, ऐसे राज अकाल तथा बीमारी से नष्ट हो जाता है। जिस राज में, जिस क्षेत्र में अधिकांश शूद्र लोग रहते हैं उस गांव का भला नहीं होता है, उस गांव में अकाल पड़ जाता है, उस गांव की बीमारी से लोग मर जाता है। ये मनुस्मृति अध्याय 10 श्लोक 129 में लिखा हुआ है, यहाँ है, मैं स्क्रीन पर लगाऊंगा, उस फोटो को आप लोग देखिएगा। ये चीज पढ़ना चाहता हूँ। ईश्वर ने ब्राह्मण का धर्म, ब्राह्मण का जो धर्म है पढ़ना है, यज्ञ करना है, यज्ञ करवाना है, दान लेना है, दान देना नहीं है, दान लेना है, यही निश्चय किया है भगवान ने उनको। और क्षेत्रीय का धर्म है रक्षा करना, दान देना, यज्ञ कराना, पढ़ना। और वैश्य का धर्म है पशु पालना, यज्ञ करना, पढ़ना, व्यापार करना, सूद खाना, खेती करना। और शूद्र जाति का जो धर्म है वो सिर्फ उनका एक ही धर्म है कि अपने उच्च जाति वाले लोगों का भक्ति भाव से उनका सेवा करना, और उनका कोई धर्म नहीं है, नहीं संपत्ति जमा करना है, नहीं आपको पढ़ना है, नहीं आपको मंत्र उच्चारण करना है, बस जो आपसे उच्च जाति के लोग हैं सिर्फ उनका आप भक्ति भाव से पैर जातिए और क्या कीजिएगा, उनका सेवा कीजिए, और यही आपका धर्म है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, ये अपात अस्तम धर्म सूत्र में कहा गया है, एक बुक है उस बुक में कहा गया है, और ये सारी चीज़ें, ये बाबा साहब अंबेडकर की जो बुक है उसमें सारी चीज़ें लिखा हुआ है दोस्तों, वही चीज़ मैं आप लोगों को पढ़कर बता रहा हूँ। फ्लिपकार्ट पे सर्च जगह पे आप लोगों को मिल जाएगा। अगर इस किताब को आप पढ़िएगा ना तो आपको लगेगा कि यार कहाँ फंस गए हैं, हमारे पूर्वजों के साथ ये लोगों ने कैसे कैसे अत्याचार किया था। उतना बहुत चीज़ें हैं, इसमें तो पढ़ के हम लोग नहीं सुना पाएंगे, बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों से एक विनती करना चाहता हूं दोस्तों कि आप YouTube पर आपको वीडियो मिल जाएंगे, जो एक फिल्म है उस फिल्म को आप लोग जाकर देखिएगा, उस फिल्म का नाम है शूद्र। अगर उस फिल्म को आप लोग देखेंगे तो आपको बहुत चीज़ इतिहास की चीज़ें सीखने को मिलेंगे। उस वीडियो को अगर आप फिल्म को देख लेंगे तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, आपको इतिहास समझने को मिलेंगे। इस फिल्म को जाकर आप लोग देख लीजिए, बहुत अच्छा सीख मिलने वाले हैं। और यही चीज़ें मैं आप लोगों को आज बताने के लिए आए थे। और अगर आप लोगों को कोई धर्म का, मैं किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ब्राह्मण लोग किस तरह से हमारे ऊपर राज कर रहा है, ब्राह्मण 3% ब्राह्मण था, 3000 साल तक ब्राह्मणों ने इस देश पर राज किया था। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप लोग अपनी अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।